हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे इमैनुअल कांट की पॉलिटिकल फिलॉसफी। तो पहले हम एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे इमैनुअल कांट के बारे में, देन वेरियस डोमेन डिस्कस करेंगे जिस पर बात की है इमैनुअल कांट ने, जैसे यूनिवर्सल मोरल लॉ, जिसमें कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव की वो बात करते हैं, यूनिवर्सल मोरल लॉज की बात करते हैं, देन इंडिविजुअल ऑटोनॉमी के बारे में वो क्या बात करते हैं, पॉलिटिकल फ्रीडम के बारे में क्या बात करते हैं, देन पीसफुल रिलेशन बिटवीन नेशंस में क्या वो बात करते हैं। तो इन सब वेरियस डायमेंशंस पे हम बात करेंगे। तो कांट हम की जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है बहुत इम्पॉर्टेंट है, एज वेल एज रिलेवेंट भी है आज के टाइम पे। जो कॉन्टेम्पररी डिस्कशंस होते हैं ना, मोरालिटी से रिलेटेड हों, चाहे वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हों, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशंस पे हों, इन सब में जो डिसीजंस लिए जाते हैं, जो डिस्कशंस होते हैं, उनको शेप करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट है, तो हम इसे डिटेल में देखेंगे। तो इमैनुअल कांट एक जर्मन फिलोसोफर हैं जिनका जन्म 1724 में हुआ था, मतलब वो 18th century से बिलोंग करते हैं। और वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी में या वेस्टर्न फिलॉसफिकल ट्रेडिशन के एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंकर रहे हैं, जिन्होंने वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी को शेप किया है। तो एक फिलॉसफर के रूप में, मतलब कोई भी फिलॉसफर होता है ना, जो उसका ओवरऑल एम क्या होता है, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके लाइफ को अच्छा बनाया जाए, वर्चुअस बनाया जाए, गुड बनाया जाए, एक मीनिंगफुल लाइफ बनाई जाए। तो यहाँ पर इमैनुअल कांट का भी कुछ ऐसा ही सीन रहेगा। तो इमैनुअल कांट जब थे, उस टाइम पे दो ट्रेडिशन बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, रेशनलिज्म का एंड एम्पिरिसिज्म। तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं ब्रीफ में बता दूँ कि ये दो ट्रेडिशन हैं क्या। तो नॉलेज को एक्वायर करने के लिए या नॉलेज को गेन करने के लिए कई सारे तरीके होते हैं, इसके लिए कई सारे ट्रेडिशंस बनाए गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट फिलॉसफीज़ हैं। तो जो रेशनलिज्म या रेशनलिस्ट हैं, वो कहते हैं कि नॉलेज को गेन करने के लिए रीज़न ज़रूरी होता है। और जो एम्पिरिसिस्ट हैं, वो कहते हैं कि नहीं, नॉलेज को गेन करने के लिए क्या ज़रूरी है, हमें उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। हमारे जो सेंसेस हैं, जैसे कि आँख, नाक, कान, इनके थ्रू हमें एक्सपीरियंस करना होता है, तब हमें नॉलेज गेन होता है। तो इस तरीके से ये नॉलेज गेन करने के लिए दो पॉपुलर ट्रेडिशन थे। इमैनुअल कांट एक मिडिल पाथ अडॉप्ट करेंगे, जैसे कि बुद्धिज़्म में हुआ था। तो इमैनुअल कांट कहेंगे कि भाई, हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग को कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक बनाने के लिए दोनों ही रिक्वायर्ड होते हैं, दोनों ही हमारे थॉट्स एंड अंडरस्टैंडिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो रीज़न और एक्सपीरियंसेस दोनों हमारे थॉट्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं और हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, तो बीच का रास्ता चुनते हैं। और इनकी कुछ बुक्स मेंशन कर देना, जैसे यूनिवर्सल नेचुरल हिस्ट्री, देन क्रिटिक ऑफ जजमेंट, देन क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न। तो ये तो हो गया इनका बेसिक सा इंट्रोडक्शंस। अब आते हैं हम इनका पहले कंसेप्ट पे, दैट इज़ यूनिवर्सल मोरल लॉ। अब यूनिवर्सल मोरल लॉ पे हमें दो चीज़ें समझने की ज़रूरत है। एक, ये भाई मोरल लॉ क्या है, और एक, ये यूनिवर्सलिटी क्या है या यूनिवर्सल कंसेप्ट क्या है। ये दो चीज़ हम समझेंगे, राइट। तो कांट का मानना है कि यूनिवर्सल मोरल लॉ एग्जिस्ट करते हैं, जिन्हें वो कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव्स कहते हैं, और मोरालिटी के लिए ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है। तो मैं सबसे पहले आपको समझाऊंगी व्हाट इज़ मोरल लॉ, जिसमें कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव की हम बात करेंगे, ओके। तो आते हैं हम इन कुछ हैंड रिटन स्लाइड्स पे, ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो देखो, दो तरीके के ट्रेडिशन थे। तो एक है यूटिलिटेरियनिज्म, जो कहते हैं कि मोरल एक्शंस वो है जिसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हमारे एक्शंस के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उनके आधार पर हम जज करते हैं कि एक्शन जो लिया गया है वो मोरल है कि नहीं। तो एक ट्रेडिशन पॉपुलर था उस टाइम पे, वो था यूटिलिटेरियनिज्म, जो बात करता था कि जो हमने एक्शंस लिया है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग ने जो एक्शंस लिया है, अगर उसके परिणाम, उसके कॉन्सिक्वेंसेस से
मैक्सिमम हैप्पीनेस होती है, राइट, मैक्सिमम हैप्पीनेस होती है तो हम कहेंगे कि वो एक्शंस मोरल एक्शंस हैं, मतलब यूटिलिटी है ना उस एक्शंस की। यूटिलिटी क्या है? मैक्सिमम हैप्पीनेस को हम जनरेट कर रहे हैं तो एक्शन मोरल है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने इस पर्सन के घर पे चोरी करी और चोरी करके मैंने करोड़ों रुपए वहाँ से लाए और इन बाकी पर्सन्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो अब यहाँ पर एक पर्सन दुखी हो रहा है और यहाँ पर हमारे कितने 6 लोगों की हैप्पीनेस मिल रही है। तो जो यूटिलिटेरियनिज्म है, ये कहते हैं कि जो चोरी किया गया, चोरी क्या है? एक एक्शन है, और इस एक्शन से कॉन्सिक्वेंसेस जो निकले, जो परिणाम निकले चोरी के थ्रू, उसमें हमने मैक्सिमम हैप्पीनेस जनरेट की, तो ये एक्शन मोरल है। तो जो कांट है वो कहते हैं नहीं, इस एक्शन में प्रॉब्लम है, चोरी कभी मोरल नहीं हो सकती। तो ये कैसे डिफाइन करेंगे, इस चीज़ को कैसे ये करेक्ट करते हैं? तो इसे कहते हैं हम डीओंटोलॉजिकल थ्योरी। सो कांट में डीओंटोलॉजिकल थ्योरी आती है। डीओंटोलॉजिकल थ्योरी मतलब हम किसी एक्शंस को मोरल एक्शन तब कहेंगे जब वो, मतलब उसमें मोटिव्स के आधार पर जज करेंगे हम एक्शन मोरल है या नहीं है, किस आधार पर तय करेंगे कि हमारा मोटिव क्या था, ना कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस के आधार पर, ना कि उसकी यूटिलिटी के आधार पर। अब ये कैसे? हाँ, तो क्यों क्यों ऐसा कहते हैं कांट? कांट कहते हैं कि जो हम एक्शंस लेते हैं ना, उसके परिणाम तो दोनों ही हो सकते हैं ना, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी परिणाम हो सकते हैं। तो हम परिणाम के आधार पर कैसे जज कर सकते हैं कि कोई एक्शन मोरल है या नहीं? ओके, तो अब ये कहेंगे कि मोटिव्स के आधार पर जज करेंगे, तो मोटिव्स अब देखते हैं कि कैसे मोटिव्स के आधार पर। तो एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं इसे समझाती हूँ कि एक बच्चा फॉर एग्जाम्पल डूब रहा है, सो देर इज़ अ ड्राउनिंग चाइल्ड, मतलब जो डूब रहा है, और अब हम इसको बचाने के लिए जाएगा कोई इंसान। फॉर एग्जाम्पल, ये पर्सन ए है, इस डूबते हुए बच्चे को बचाने के लिए जाता है, मतलब एक्शन लिया। अब ये एक्शन के परिणाम कुछ भी हो सकता है, वो सक्सेसफुल भी हो सकता है बचाने में, और नहीं भी हो सकता, तो पॉजिटिव एंड निगेटिव परिणाम दोनों निकल सकते हैं। लेकिन ये जो एक्शन लिया था ए ने, ये मोरल है कि नहीं, ये कैसे जज करेंगे? तो कांट महोदय कहते हैं कि हम ये जज करेंगे मोटिव्स के आधार पर। किसके आधार पर? मोटिव्स के आधार पर। मोटिव से मतलब ये है कि हम ये देखेंगे कि जो ये एक्शन लिया था इस बंदे ने, ए ने, बचाने के लिए, इस बच्चे को, डूबते हुए बच्चे को बचाने के लिए, उसके पीछे उसका मोटिव क्या था? क्या उसका मोटिव पॉपुलैरिटी पाना था कि मतलब मैं तो फेमस हो जाऊंगा, कि कितना ब्रेव पर्सन हूँ, मैंने एक डूबते हुए बच्चे को बचा लिया? या तो उसका मोटिव रहा होगा कंपैशन, कि उसको बड़ा मतलब सिंपैथी आ गई होगी, उसकी फीलिंग्स आ गई होंगी कि यार एक बच्चा है, डूब रहा है, मुझे, मैं इसे बचा लेता हूँ, तो कंपैशन के आधार पर किया होगा उसने। या तो मोटिव्स हो सकता है सेंस ऑफ ड्यूटी, कि भाई बीइंग अ ह्यूमन, किसी और को आप मरते हुए नहीं देख सकते हो ना, ये हमारी ड्यूटी थी उसे बचाना। तो कांट कहते हैं कि अगर इस पर्सन ने, ए पर्सन ने ये एक्शंस इस आधार पर लिया है, सेंस ऑफ ड्यूटी के आधार पर, तो ये एक्शन मोरल है। अगर पॉपुलैरिटी एंड कंपैशन के आधार पर लिया है, तो भी ये क्या है, ये मोरल एक्शंस नहीं होगा। और यही सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म बनता है कांट की फिलॉसफी में। तो फिलहाल आपको ये समझ में आया यहाँ पर कि कांट के अकॉर्डिंग मोरल एक्शंस क्या है। तो कांट के अकॉर्डिंग मोरल एक्शन क्या है? जो परफॉर्म किया जाता है, जो लिया जाता है आउट ऑफ सेंस ऑफ ड्यूटी, कि हमारा कर्तव्य था। ओके, तो एक और एग्जाम्पल मैं ले लूँ यहाँ पर, ताकि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। एक एग्जाम्पल लेते हैं चैरिटी, बहुत पॉपुलर होता है हमारे आसपास की सोसाइटी में। तो चैरिटी करने के कई सारे मोटिव्स हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू कांट।
अब कांट कहेंगे, कांट ये जज करेंगे कि चैरिटी करना एक मोरल एक्शन था या नहीं, इसे हमें जज करना है। तो कांट देखेंगे कि जो चैरिटी करने के पीछे मोटिव क्या था, क्या मोटिव कंपैशन था कि भाई ह्यूमैनिटी के लिए हमारा कंपैशन है तो आउट ऑफ सिंपैथी मैंने इतना पैसे कमाए तो मैंने कुछ चैरिटी कर दी क्योंकि गरीबों का भला हो जाएगा। तो ये हो गया एक मोटिव। एक हो गया पॉपुलरिटी कि भाई पूरी दुनिया में बहुत फेमस हो गया कि फला फला पर्सन बहुत चैरिटी करता है, बहुत दान करता है, तो वो पॉपुलर भी हो जाएगा, फेमस हो जाएगा, ये एक मोटिव होगा उसका। या तो मोटिव होगा आउट ऑफ सेंस सेंस ऑफ ड्यूटी कि भाई इस सोसाइटी ने मुझे इतना कुछ दिया है, इस सोसाइटी में रहकर मैंने इतना कुछ गेन किया है, तो सोसाइटी को मतलब बैक वापस कुछ देने का मेरा मेरी ड्यूटी है। तो आउट ऑफ सेंस ऑफ ड्यूटी के आधार पर उसने चैरिटी की कि सोसाइटी को गिव बैक करना मेरी ड्यूटी है क्योंकि सोसाइटी ने मुझे इतना सब कुछ दिया है। ओके, तो कांट कहते हैं कि अगर मोटिव हमारा ये था सेंस ऑफ ड्यूटी चैरिटी करने का, तब तो ये मोरल एक्शन है। बाकी अगर पॉपुलरिटी था या कंपैशन था तो इसे हम मोरल एक्शन नहीं कहेंगे। तो अभी आपको मोरल एक्शन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कांट का? तो अगर अब मोरल एक्शन समझ में आ गया होगा तो हम ये कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव को अब समझेंगे। तो उसके पहले मैं एक टर्म बार बार यूज़ होगा उसे बता देती हूँ, मैक्सिम। कांट की जब आप पॉलिटिकल फिलोसफी पढ़ोगे या फिलोसफी पढ़ोगे तो उसमें एक टर्म आता है मैक्सिम। मैक्सिम का मतलब होता है एक ऐसा सेंटेंस जो जनरल बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है या जनरल बिहेवियर को एक्सप्रेस करता है। जैसे डोंट लाई, मतलब हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें गरीबों की मदद करना चाहिए। ये ऐसे सेंटेंसेस हैं, ऐसे कमांड्स हैं जो जनरल बिहेवियर एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये इसे मैक्सिम वर्ड यूज़ किया गया है कांट की फिलॉसफी में। ओके, तो अब हम अगर आपको मोरल लॉ समझ में आ गया हो, मोरल एक्शन समझ में आ गया हो, तो अब हम आते हैं कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव को समझने में। तो दो इम्पेरेटिव्स को दो कैटेगरी में बांटा जाता है, एक हाइपोथेटिकल इम्पेरेटिव, एक कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव का लिटरल मीनिंग है यहाँ पर कमांड। ओके, तो हाइपोथेटिकल इम्पेरेटिव्स कंडीशनल कमांड्स होते हैं। ये वो मोरल कमांड्स हैं जिनके पीछे एक कंडीशन लगी होती है, जबकि कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव्स वो मोरल कमांड्स होते हैं जिनमें कोई कंडीशन नहीं लगी होती है, दे आर अनकंडीशनल, राइट। हमारे पास यहाँ पे कोई इफ बट सो ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, मस्ट फॉलो, मतलब हर हाल में फॉलो करने हैं ये कमांड, ये है कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव। क्यों फॉलो करने हैं हर हालत में? क्योंकि इसके पीछे सेंस ऑफ ड्यूटी है। तो आउट ऑफ ड्यूटी हमें ये कमांड्स फॉलो करने हैं जो कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव्स हैं, जबकि हाइपोथेटिकल इम्पेरेटिव्स क्या हैं? कंडीशनल कमांड्स हैं, कुछ हमारे पर्सनल मोटिव्स पे बेस्ड होते हैं, जैसे फीलिंग्स, डिजायर्स, पर्सनल गेन्स, इस तरीके से। अभी हम एग्जांपल्स के थ्रू इसे डिटेल में समझते हैं। तो ये समझ में आ गया कि हाइपोथेटिकल इम्पेरेटिव्स क्या है, कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव्स क्या है। कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव अनकंडीशनल होते हैं, कोई कंडीशन नहीं होती है, दे आर इररिस्पेक्टिव ऑफ योर फीलिंग्स, डिजायर्स, पर्सनल गेन्स, राइट। जैसे डूबते हुए बच्चे को बचाना था तो उसमें आपको पर्सनल गेन्स, आपको फीलिंग्स, आप डिज़ायर्स, आप मैटर ही नहीं कर रही भाई, आपकी ड्यूटी है उसे बचाना, इसलिए आपको वो काम करना पड़ेगा। तो दिस इज़ कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव्स। तो कांट कहते हैं कि बीइंग अ ह्यूमन कुछ ऐसे सर्टेन कैटेगोरिकल ड्यूटीज़ होती हैं जो हमें अनकंडीशनली फॉलो करनी होती है। हमारी फीलिंग्स, हम चाहते हैं या नहीं चाहते, हमारा उसमें कोई गेन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये मैटर ही नहीं करता। जैसे डूबते हुए बच्चे को बचाना क्या है, एक कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव है, हमारी ड्यूटी है बीइंग अ ह्यूमन।
हमें उसे अनकंडीशनली फॉलो करना है, जबकि हाइपोथेटिकल इम्पेरेटिव्स क्या हैं, ये कंडीशनल हैं, ये डिपेंड करती हैं फीलिंग्स पे, डिज़ायर्स पे, पर्सनल गेन्स पे। एग्जांपल्स देखते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल है, इफ़ यू वांट टू बी रिस्पेक्टेड देन यू मस्ट ऑट टू रिस्पेक्ट अदर्स। अगर आपको समाज में रिस्पेक्ट चाहिए, दूसरों से रिस्पेक्ट चाहिए, तो आपको भी दूसरों को रिस्पेक्ट पहले देना सीखना होगा। हम कहते हैं ना कि अगर खुद की रिस्पेक्ट करानी है तो पहले आप दूसरों की रिस्पेक्ट तो करिए। तो यहाँ पे हमने कंडीशन लगा दी ना, इफ़ यू वांट टू बी रिस्पेक्टेड। तो जबकि कांट कहते हैं कि इसमें ये गलत है, रिस्पेक्ट देना एक कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव से, यू ऑट ऑलवेज टू रिस्पेक्ट अदर्स बिकॉज इट्स योर ड्यूटी टू डू सो, देयर इज अ सेंस ऑफ ड्यूटी। ये अनकंडीशनल है, आप चाहते हैं कि आपको रिस्पेक्ट मिले या इससे ये मैटर ही नहीं करता है कि आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि रिस्पेक्ट हो या ना हो, ये मैटर ही नहीं कर रहा। अनकंडीशनल रिस्पेक्ट देना दूसरों को, ये आपको करना ही होगा। तो ये हो गया आपका कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव्स। तो इसे बनाया है कांट ने। ओके, नेक्स्ट और एग्जाम्पल लेते हैं एक थोड़ा सा, मे बी और आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अच्छा, एक हम जनरल आम भाषा में कहते हैं ना कि यू विल बी रिवॉर्डेड इफ़ यू हेल्प द नीडी पीपल्स। अगर आप ज़रूरतमंद का भला करोगे तो आपका भी भला होगा, होता है ना ऐसा बोलते हैं। तो कांट कहते नहीं, ये गलत है, इसमें तो हमने कंडीशन लगा दी ना कि अगर आप अपना खुद का भला चाहते हो तो पहले दूसरों का भला करिए। ओके, तो अगर आपको रिवॉर्डेड होना है, आपको अपना भला कराना है, तभी आप दूसरों का भला करिए। तो ये कंडीशनल हो गया, राइट, ये कंडीशनल मैक्सिम हो गया या कंडीशनल इम्पेरेटिव हो गया। कांट कहते हैं कि करेक्ट वर्जन क्या होना चाहिए कि आप हमेशा ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें, ऑलवेज हेल्प दोज इन नीड्स बिकॉज इट्स योर ड्यूटी टू डू सो। क्योंकि एज अ ह्यूमन बींग ये आपकी ड्यूटी है कि आप जो नीडी पीपल्स हैं उनकी उनकी हेल्प करें, ज़रूरतमंद लोगों की आप हेल्प करो, ये आपकी ड्यूटी है एज अ ह्यूमन बींग। तो ये हो गया आपका कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव, मतलब कोई कंडीशन नहीं है इसमें, अनकंडीशनल है। दूसरों की जो नीडी पीपल्स हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनकी हेल्प करना अनकंडीशनल है। ये मैटर नहीं करता कि आप चाहते हो, आपकी डिज़ायर्स क्या हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आपके पर्सनल गेन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, नहीं, ये सेंस ऑफ ड्यूटी के आधार पर आप करेंगे ये। तो आपको कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव समझ में आ गया है यहाँ पर, आई होप कि इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो हमने दो चीज़ें पढ़ी, मोरल एक्शन क्या होता है और दूसरा हमने पढ़ा कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव क्या होता है। ठीक है, कोई डाउट हो तो नीचे कॉमेंट कर लेना। एक और है जो हम यूनिवर्सल मोरल लॉ पढ़ रहे हैं, तो ये यूनिवर्सल लॉ क्या है। तो कांट आप देखोगे कि बात करते हैं यूनिवर्सलाइजेबिलिटी की, प्रिंसिपल्स की या मैक्सिम्स की, कि ये यूनिवर्सल लेवल पर अप्लाई होना चाहिए, मतलब हर एक किसी पर्सन पे ये अप्लाई होने चाहिए, अप्लाई टू एवरीबॉडी, तब हम कहेंगे हाँ ये यूनिवर्सल लॉ है। ओके, तो कांट कहते हैं कि ह्यूमन बींग को उन एक्शंस, उन मैक्सिम्स या उन कमांड्स पे एक्ट करना चाहिए जो सभी पर्सन पर अप्लाई हो सकें। जैसे फॉर एग्जांपल, आई वांट टू स्टील मनी बिकॉज आई एम पुअर, मतलब मैं गरीब हूँ इसलिए मैं चोरी करता हूँ, पैसों की मैंने चोरी की। तो इसका मतलब तो फिर वो जो जितने भी गरीब लोग हैं सभी लोग चोरी कर सकते हैं भाई, ये हो गया आपका, आप यूनिवर्सल लॉ इस्टेब्लिश कर रहे हो। तो कांट कहते हैं कि फिर हमें ऐसी ही चीज़ों पर एक्शन लेना चाहिए ना जो सब ले सकें। अगर आप नहीं चाहते हो कि आपके घर में आकर कोई चोरी करे, तो फिर आप दूसरे के घर में जाकर चोरी क्यों कर रहे हो। अगर आप नहीं चाहते हो कि कोई आपसे आपको झूठ बोले आकर, तो फिर आप भी झूठ मत बोलें। ओवरऑल आई वॉन्ट टू से इज दिस कि वो सारे उन चीज़ों पर एक्शन लो, एक्ट करो जो सभी सभी लोगों पर अप्लाई हो सके, यूनिवर्सल हो सके, किसी भी टाइम पीरियड किसी भी पर्सन पे वो रेलेवेंट रहे। तो जैसे फॉर एग्जांपल यही स्टील मनी वाला एक कॉन्सेप्ट लेते हैं, तो हाँ जैसे मान लीजिए ए पर्सन है,
उसने पहले कहा कि आई वॉन्ट टू स्टील मनी बिकॉज आई एम अ पुअर, तो उसने जाके बी के घर में चोरी कर ली और उसने अपना जस्टिफिकेशन दिया क्योंकि मैं गरीब था इसलिए मैंने चोरी की। तो ये जो कमांड है, जो ये इम्पेरेटिव है, ये फिर सभी पे लागू होगा ना। कल को एक सी पर्सन आएगा और सी से ए ज़्यादा अमीर है, तो सी जाएगा वो ए के घर में चोरी कर लेगा। तो अब फिर ए को यहाँ पे बुरा नहीं लगना चाहिए, ए को ये गलत नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि ए ने भी कभी ऐसा किया था, ए ने भी बी के यहाँ चोरी करी थी। तो ये एक क्या हो गया, यूनिवर्सल लॉ हो गया चोरी करना जो गरीब है। तो सी भी तो बोल रहा है कि मैं गरीब हूँ भाई तुमसे, इसलिए मैंने तुम्हारे यहाँ चोरी कर ली, तुम क्यों इतना बुरा मान रहे हो। तो सिंपल सा कांट ये कहते हैं कि हमें उन्हीं चीज़ों पे एक्ट करो ना कि जो यूनिवर्सल हो सके। ओके, तो इस तरीके से जो ह्यूमन बीइंग है वो खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं एक्शंस की, और इस तरीके से यूनिवर्सलाइजेबिलिटी का कंसेप्ट सेट करते हैं। क्योंकि ये चोरी करने का कंसेप्ट आपने ही बनाया था, राइट? तो ये यूनिवर्सल लॉ समझ में आ गया। तो इस तरीके से यही होगा ना कि मतलब सभी लोग अच्छे एक्शंस करेंगे ना। जैसे फॉर एग्जांपल, ए ने झूठ बोला क्योंकि उसको उस सर्कमस्टेंसेस में अपने आप को बचाना था, तो कल को बी भी झूठ बोलेगा, सी भी झूठ बोलेगा। तो ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल बन गया, क्योंकि भाई बुरे वक्त पे झूठ बोल के अपने आप को बचाना है। लेकिन जब झूठ बोलना गलत है तो फिर ए ही नहीं बोलेगा, बी भी नहीं बोलेगा, सी ही नहीं बोलेगा, वो झूठ बोलना वाली चीज़ नहीं रहेगी। तो ये बहुत बड़ा मेजर करेक्शन था, राइट, इस चीज़ में। तो आई होप कि यहाँ पर जब हम वापस आते हैं इस चीज़ पे, हम बात कर रहे थे यूनिवर्सल मोरल लॉ, जिसमें मोरल लॉ समझ में आ गया। मोरल एक्शंस क्या था, हम किस आधार पर तय करेंगे, मोटिव्स के आधार पर तय करेंगे कि मोटिव्स क्या है। मोटिव्स क्या होना चाहिए, सेंस ऑफ ड्यूटी होना चाहिए। यूनिवर्सलिटी हमने देख लिया कि क्या है, उन चीज़ों पर एक्ट करो जो सभी पर लागू हो सके। कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव समझ आ गया, वो कमांड्स, वो मैक्सिम जो अनकंडीशनल होते हैं। और इस तरीके से ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी बनता है रिगार्डलेस ऑफ देयर पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कांट का, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया आपको। नेक्स्ट है इंडिविजुअल ऑटोनॉमी। कांट कहते हैं कि जो इंडिविजुअल बीइंग है ना, उनको अपने सेल्फ गवर्नेंस का पूरा राइट है। इंडिविजुअल को ऑटोनॉमी होनी चाहिए, ऑटोनॉमी मतलब लिबर्टी होनी चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए कि वो अपने डिसीजन मेकिंग्स करें, राइट, अपना सेल्फ गवर्नेंस करें, राइट। इस तरीके से इंडिविजुअल को फ्री फ्रॉम द कोहर्सन एंड मैनुपुलेशन, इंडिविजुअल पे कोई दबाव, कोई प्रेशर, कोई मैनुपुलेशन नहीं होना चाहिए। दे शुड हैव राइट टू मेक देयर ओन डिसीजंस, टू परस्यू देयर ओन गोल्स। ओके, और इस तरीके से क्या होना चाहिए, तभी तो वो सेंस ऑफ ड्यूटी के थ्रू डिसीजंस ले पाएगा ना। इंडिविजुअल को ऑटोनॉमी होगी तभी तो वो सेंस ऑफ ड्यूटी के आधार पर लेगा, और तभी वो मोरल एक्शन लेगा। ओवरऑल क्या है कि इंसान को मोरल एक्शन लेना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम चैरिटी की बात करें, राइट, तो चैरिटी कई बार होता है ना, कंपल्शन किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि कोई कहीं पे, फॉर एग्जाम्पल बाढ़ आ गई है, फ्लड आ गया है, तो हम सब से कहा गया है स्कूल में जाकर कि भाई सारे बच्चे 100 100 रुपये कलेक्ट करो, मिनिमम इतना सबको देना है। तो ये तो कोहर्सन हो गया, कंपल्शन हो गया ना, हमें कंपेल किया गया। तो ये कांट के अकॉर्डिंग मोरल एक्शन नहीं हुआ, यहाँ पे इंडिविजुअल ऑटोनॉमी नहीं थी, यहाँ पे स्टूडेंट्स को कंपेल किया गया 100 रुपये लेने के लिए चैरिटी। तो यहाँ पे जो चैरिटी किया गया, क्या वो मोरल एक्शन था? बिल्कुल नहीं था। तो कांट इसके खिलाफ है। कांट कहते हैं कि हमें जो इंडिविजुअल बीइंग है, दे शुड हैव राइट टू ऑटोनॉमस सेल्फ गवर्नेंस, खुद का डिसीजन मेकिंग करने की उसको खुद राइट होना चाहिए। ओके, तो ये हो गया इंडिविजुअल ऑटोनॉमी। नेक्स्ट एक चलते हैं पॉलिटिकल फ्रीडम की बात करते हैं। सो कांट कहते हैं कि पॉलिटिकल फ्रीडम अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है।
क्योंकि जो इंडिविजुअल्स हैं दे आर फ्री फ्रॉम दे शुड बी फ्री फ्रॉम द एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट, मतलब कोई बाहरी अड़चनें नहीं होनी चाहिए, बाहरी रुकावटें या बाहरी बाधाएं नहीं होनी चाहिए इन ऑर्डर टू परस्यू देयर ओन गोल्स. अगर इंडिविजुअल्स को अपने गोल परस्यू करने, अपने इंटरेस्ट परस्यू करने, तो कोई बाहरी बाधाएं नहीं उस पर लगनी चाहिए इस पूरी प्रोसेस पे. तो पॉलिटिकल फ्रीडम क्या है कांट के अकॉर्डिंग? एक नेसेसरी कंडीशन है जिसमें इंडिविजुअल ऑटोनॉमी डेवलप होती है. इंडिविजुअल्स की जो 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 सेल्फ गवर्नेंस है, सेल्फ डिसीजन मेकिंग की जो कैपेबिलिटीज़ है वो डेवलप करता है पॉलिटिकल फ्रीडम. तो इसका मतलब कि इंडिविजुअल को फिर फ्रीडम देनी चाहिए ताकि वो उस कंडीशन का फ़ायदा उठाकर अपना डेवलपमेंट कर सके और डिसीजंस ले सके कि भाई नहीं, उसको चैरिटी करनी है क्योंकि ये उसकी ड्यूटी है. एंड पोलिटिकल फ्रीडम इज़ एसेंशियल फॉर द रियलाइजेशन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी. ओके, ह्यूमन डिग्निटी पे कांट ने बहुत ज़्यादा फोकस किया है. ओके, तो ये एंड एंड मीन्स का कॉन्सेप्ट आ रहा है. एक बार मैं इसे फिर से समझा देती हूँ. कांट के अकॉर्डिंग जो पीपल्स हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, दे आर एंड इन इट सेल्फ, दे आर एंड इन देम सेल्फ. किसी भी पर्सन को हमें एज अ मीन नहीं इस्तेमाल करना चाहिए टू अचीव द गोल्स ऑफ अदर्स. फॉर एग्जाम्पल, ये पर्सन ए है एंड एंड यस, ये पर्सन ए है और इसको अपना गोल अचीव करना है. फॉर एग्जाम्पल, इसे यू कैन से दैट, हाँ, इसे किसी किसी मेट्रो सिटी में शिफ्ट होना है. फॉर एग्जाम्पल, तो ये क्या करेगा, अपने फ्रेंड पर्सन बी का यूज़ करेगा, उसके पैसों का यूज़ करके वो वहाँ पर जाएगा. तो ये क्या हुआ, इस बी पर्सन को एज अ मीन यूज़ किया. तो कांट इसके खिलाफ है. कांट कहते हैं कि हर एक इंडिविजुअल अपने आप में एंड होता है, राइट? हमें इंडिविजुअल को नहीं यूज़ करना है, अपने किसी और दूसरे पर्सन का इस्तेमाल नहीं करना है अपने गोल्स एंड अचीव करने के लिए. तो इसको कई बार ना, इसे ये बहुत ही मतलब इसे क्रिटिसाइज़ भी कई बार ऐसे किया जाएगा. फॉर एग्जांपल, जैसे कि फिर तो जैसे एक एक एग्जांपल दिया जाता है, बहुत पॉपुलर होता है, जैसे टीचर्स. तो जो स्टूडेंट है वो टीचर की रिस्पेक्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि वो टीचर है, टीचिंग उसका प्रोफेशन है. बहुत सारे स्टूडेंट इसलिए उस टीचर के आगे पीछे करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं ताकि उनको ग्रेड्स अच्छे मिल जाएँ. तो इस तरीके से तो आपने टीचर को एज अ मीन कर लिया, क्योंकि आपका अल्टीमेट गोल क्या है, गुड ग्रेड्स अचीव करना. तो आपने टीचर की रिस्पेक्ट करने को एक मीडियम बना लिया, टीचर को एज अ पर्सन रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं आप. तो एंड एंड मीन्स समझ में आया? तो यहाँ पर मेन कांट के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, हमें टीचर की एज अ पर्सन रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ना कि इसलिए कि वो गुड ग्रेड्स देगा या नहीं देगा इसलिए. गेटिंग इट? तो ये था कांट का पॉलिटिकल फिलोसफी जिसमें हमने डिस्कस किया. अब हम क्रिटिसाइज करेंगे, यहाँ पर क्रिटिकल इवैल्यूएशन करेंगे जो हमने अभी डिस्कशन किया है उसका. तो सबसे बड़ा जो क्रिटिसिज्म होता है कांट का, जो वो सेंस ऑफ ड्यूटी के आधार पर मॉरल एक्शन जजमेंट करते हैं और सारी चीज़ों को वो साइड करते हैं, रिजेक्ट करते हैं. तो पहला ब्लेम लगाया, पहला क्रिटिसाइज किया जाता है कि देयर इज़ अ डेग्रेडेशन ऑफ इमोशंस, क्योंकि कांट ने इमोशंस को एज अ फैक्टर कंसीडर ही नहीं किया. अब चैरिटी वाला फॉर एग्जांपल, तो लोग चैरिटी करते हैं कई बार आउट ऑफ कंपैशन, इमोशन, फीलिंग्स, एम्पैथी, क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है जो नीडी पीपल्स हैं उनकी हेल्प करना, उन्हें इनर हैप्पीनेस मिलती है. तो ये तो फिर कांट के अकॉर्डिंग पर्सनल गेन हो गया. तो जो क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि भाई आप जो ये जो फीलिंग्स है ना, कंपैशन, इमोशन, फीलिंग्स, एम्पैथी, आप इन्हें मोरालिटी से कैसे सेपरेट कर सकते हो? दे आर इंटरलिंक्ड, इंटरकनेक्टेड. आप मोरालिटी से इन्हें अलग नहीं कर सकते हो, सेपरेट नहीं कर सकते हो इमोशंस को. तो अगर कांट के आधार पर हम लोग जाएंगे, सिर्फ सेंस ऑफ ड्यूटी को करेंगे, तो फिर तो इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी. एक और क्रिटिसिज्म लगता है जैसे कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी. तो कांट बात करते हैं सेंस ऑफ ड्यूटी की ना, कि एक्शन मोरल है या नहीं किस आधार पर तय होगा, कि उसका मोटिव क्या है, और मोटिव क्या होना चाहिए, सेंस ऑफ ड्यूटी. तो
तो यहाँ पर कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी आ जाता है। तो क्रिटिक्स कहते हैं फॉर एग्जाम्पल टिल द ट्रुथ, ये एक कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव है, मतलब अनकंडीशनल है, आपको सत्य बोलना ही बोलना है, कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव है। गेटिंग इट? ड्यूटी है आपकी सत्य बोलना। दूसरा, ह्यूमन को प्रोटेक्ट करना भी आपकी ड्यूटी है, कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव है, अनकंडीशनल ड्यूटी है, अनकंडीशनल कमांड है। दोनों ही अनकंडीशनल है, दोनों ही कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव है। अब ये दोनों एक साथ आ गए फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप सच बोलोगे तो किसी की जान जा सकती है, तो आपको अगर पर्सन ए की जान बचानी है तो आपको झूठ बोलना पड़ेगा। तो अब ये कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी आ गया ना यहाँ पर कांट के अकॉर्डिंग। तो अब इसमें से एक चूज़ करना है आपको, तो कैसे चूज़ करोगे? तो कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी का जो प्रॉब्लम है ये एक बड़ा इश्यू है कांट की फिलॉसफी में, क्रिटिक्स कहते हैं, और इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए ये नहीं बताया गया। तो ये क्रिटिसिज्म में आप लिख सकते हो। तो आई होप सो कि कांट की पॉलिटिकल फिलॉसफी आपको समझ में आ गई होगी, एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ईजी है इसे समझना, क्योंकि हमें सिर्फ क्या करना है कि वर्ड पे फोकस करना है कि वर्ड क्या है, राइट? और इतना टफ नहीं है जितना हमें लगता है कि कांट की फिलॉसफी टफ है, ये बहुत आसान है अगर हम की वर्ड्स को ढंग से समझ लेते हैं, की वर्ड्स को एक्सप्लेन करना हमें आ गया तो। ओके, तो कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर लेना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, एंड आप ऑलरेडी मेरे को इतना सपोर्ट दे रहे हैं इसके लिए थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू फाउंड माई कंटेंट वर्थफुल। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।